हाय, दिस इज प्रे। वेलकम बैक टू एजुकेशनल हाइक्स। क्या हाल चाल है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक बहुत ही धमाकेदार सी पोयम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन पढ़ने वाले हैं। और इसको पोयम क्यों कहते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन है भाई साहब, इसको एक पूरी कहानी घोषित क्यों नहीं कर देते सीबीएसई वालों। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो आपके सामने दिख रही है पोयम, ये एक्चुअली पोयम बहुत लंबी है ना, देख रहे हो, बहुत लंबी पोयम है, बहुत लंबी पोयम है। तो ऐसी पोयम जो 13 लाइन से ज्यादा होती है उसको हम पोयम नहीं कहते, उसको हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेड। क्या है ये है हमारा बैलेड, ठीक है। याद रहेगा कि द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन ये एक ऐसा पोएट्री का फॉर्म है जिसको हम बैलेड कहते हैं। बैलेड को हिंदी में हम गाथा कहते हैं। जब हम गाना या पोएट्री में किसी कहानी को सुनाते हैं उसको हम बैलेड कहते हैं। अब आते हैं इस स्टोरी की तरफ कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो सीबीएसई वालों ने आपके चैप्टर में रख दिया, आपके स्कूल में स्टार्ट होने वाला होगा। ये पूरी कहानी एक ड्रैगन के बारे में है जिसका नाम है कस्टर्ड, और टेल मतलब होता है कहानी, इसलिए इस पूरे पोयम का नाम रख गया द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, एक डरपोक ड्रैगन की कहानी जिसका नाम है कस्टर्ड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इस पोयम में और भी कुछ लिखा है आपको जानने से पहले क्या जान लेना चाहिए। दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड, अ सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। दिस पोयम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अपॉडी। है क्या कि इस पोयम को पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ जान लेना है। जानना यह है कि ये जो पूरा पोयम है ये एक बैलेड का फॉर्म है। बैलेड क्या होता है, जब हम पोयम या सॉन्ग्स में किसी की कहानी सुनाते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेड। और आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बैलेड सुने होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे गाना सुने होंगे। हम बचपन में देवी गीत सुनते थे जो कि बैलेड होती थी, लंबी लंबी कहानियां सुनाई जाती थी गा के, ठीक है। तो हमने तो सुना हुआ है, पता नहीं तुम्हारा। तो आइए इस पोयम को भी सुनते हैं। और इस पोयम में जो कहानी है कस्टर्ड ड्रैगन की, वो एक ह्यूमरस स्टोरी है, एक मजेदार कहानी है, पढ़ के मजा आएगा, आई कैन प्रॉमिस यू। तो चलो पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते इस पोयम को, लिखा है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो छोटे से सफेद कलर के घर में रहती थी। इसके साथ और कौन कौन रहता था, विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक काली कलर की बिल्ली और उसके साथ एक ग्रे कलर का चूहा इसके घर में रहता था। केवल इतने ही जानवर नहीं, अ लिटिल येलो डॉग, एक पीला कलर का कुत्ता, अ लिटिल रेड वैगन और एक लाल कलर की छोटी सी गाड़ी, एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। पहले तो मैं आपको वैगन मतलब बता देता हूं। वैगन एक ऐसी गाड़ी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसी गाड़ी होती है और उसमें क्या होते हैं, ऐसे पहिए लगे होते हैं और चलाने के लिए कुछ खींचने के लिए आगे लगा रहता है, इसमें सामान वगैरह हम कैरी आउट करते हैं। तो भाई बेलिंडा के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसी लड़की है जो एक छोटे से सफेद कलर के घर में अकेली रहती थी। इसके साथ कुछ जानवर रहते थे, कौन कौन से जानवर, एक छोटी सी काली कलर की किटन यानी बिल्ली, एक छोटा सा ग्रे कलर का चूहा यानी माउस, एक छोटा सा येलो कलर का डॉग और एक छोटी सी गाड़ी जो कि रेड वैगन बताया गया, ये लाल कलर की थी। किस कलर की थी ये बिल्कुल रेड कलर की थी, ऐसे लाल कलर की वैगन गाड़ी थी। ये यूजुअली यूज किस लिए होती है, ये सामान को एक जगह से, जैसे ईट वगैरह अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले आना है तो आप इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, है ना। तो एक छोटी सी रेड वैगन थी और सचमुच एक छोटा सा पालतू सा ड्रैगन इन्होंने अपने घर में रखा था। अब बोलोगे कि भैया ड्रैगन को कैसे पालतू बना लेते हैं, तो इस पोयम में बन सकता है। ये पोयम एक फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शनल पोयम है ना। तो हमने देख लिया कि बेलिंडा, किटन, माउस, डॉग और ये ड्रैगन, ये चारों पांचों लोग एक ही घर में रहते थे, छोटा सा सफेद कलर का घर। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेम ऑफ, अब इस पैराग्राफ में हम सबके नाम जानेंगे। हमने फैमिली मेंबर्स के बारे में जाना, कौन कौन है इनके फैमिली में, अब हम जानेंगे इनके नाम क्या है। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो छोटी सी काली कलर की बिल्ली है वो काली है, इसलिए उसका नाम रख दिया इंक यानी स्याही, है ना। अच्छा देखो, नाम भी बड़े मजेदार रखे हैं।
एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, एक छोटा सा ग्रे कलर का चूहा था वो पलक झपकते यहां से यहां भाग जाता था, इसलिए उसका नाम ब्लिंक रख दिया क्योंकि वो बहुत फास्ट था, पलक को ब्लिंक करते ही वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाता था। ठीक है, तो एक लिटिल ग्रे माउस था जिसका नाम था ब्लिंक, और एक लिटिल येलो डॉग, एक पीला कलर का कुत्ता भी था इनके पास, जो कि इतना ज्यादा शार्प था जैसे कि सरसों, मस्टर्ड। मस्टर्ड आपने देखा है उसके दाने कितने छोटे छोटे रहते हैं, कितने छोटे छोटे, आप अपनी मुट्ठी में पकड़ोगे वो फिसल जाएंगे, इतने शार्प होते हैं। तो इनका कुत्ता जो था पीले कलर का, येलो कलर का, वो भी इतना शार्प था, इतना तेज था जैसे कि मस्टर्ड। और एक ड्रैगन था जो कि बहुत ज्यादा डरपोक था, इसलिए उसका नाम रख दिया कस्टर्ड। कस्टर्ड क्या होता है? कस्टर्ड हम अनमैच्योर्ड एप्पल को हम कस्टर्ड कहते हैं, मतलब जो ऐसे एप्पल जो पका ना हो उसको हम कस्टर्ड कहते हैं वैसे नॉर्मल टर्म्स में। यहां पर इसका नाम कस्टर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि ये अभी बड़ा नहीं हुआ था। ऐसा कौन सोचता था? ऐसा बेलिंडा सोचती थी, ठीक है, ऐसा ये किटन सोचता था, ऐसा ये माउस सोचता था, ऐसा ये डॉग सोचता था कि जो ड्रैगन है ना ये बहुत ही ज्यादा कस्टर्ड जैसा है, अभी इसको मैच्योर होने में टाइम है, बहुत डरा डरा रहता है, इसलिए इसको डरपोक भी लोग कहते थे, कोवर्ड कहते थे। ठीक है, तो अब सबके नाम भी क्लियर हो गए। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिपीट करना, जो किटन है इसका नाम इंक, जो माउस है इसका नाम ब्लिंक, जो डॉग है इसका नाम मस्टर्ड, एंड द ड्रैगन्स नेम इज कस्टर्ड। आई थिंक इतना क्लियर है, बेलिंडा लड़की है ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। अब हमने नाम भी सीख लिया, अब हम देखेंगे कि भाई इनकी क्वालिटीज क्या है, कैसे कैसे दिखते थे। जो ड्रैगन था कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो ड्रैगन था उसके दांत काफी बड़े बड़े और नुकीले थे, बिग शार्प टीथ थे। And spikes on top of him, scales underneath. अगर आपने ड्रैगन को देखा होगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये था ड्रैगन, है ना, कुछ पक्षी जैसी लग रही है, लेकिन इसके बॉडी पे ना ऐसे नुकीले स्केल्स निकले हुए थे, आपने देखा होगा नुकीले स्केल्स, देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो कस्टर्ड ड्रैगन था इसके जो दांत थे वो बहुत बड़े बड़े और नुकीले दांत थे। ठीक है, और इसके टॉप पर स्पाइक्स लगी हुई थी, और स्पाइक्स मतलब आप ऐसे कह सकते हो शार्प थॉर्न्स, जो नुकीले कांटे जैसे होते ना उसको हम स्पाइक्स कहते हैं। और इसके बॉडी के नीचे अंडरनीथ ऐसे स्केल्स लगे होते हैं, ऐसे स्केल्स लगे होते हैं। ठीक है, ये स्केल्स इनको रेप्टाइल्स को सरकने में मदद करते हैं, इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो वही लिखा है कि जो हमारा ड्रैगन था इसके दांत काफी बड़े बड़े थे, इसके बॉडी के ऊपर स्पाइक्स लगे हुए थे, और इसके बॉडी के नीचे स्केल्स लगे हुए थे। स्केल को तुम क्या कहते हो? ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर यानी हड्डियों का बना हुआ एक बहुत ही पतला सा ढांचा, जो क्या करता है, जो रेप्टाइल्स के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, स्किन प्रोटेक्शन में काम आता है। किस काम आता है? स्किन प्रोटेक्शन के काम में आता है। ठीक है, अच्छा, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, इस ड्रैगन के बारे में बताया, दांत ऐसे हैं, इसके टॉप पर स्पाइक्स निकली हुई है, इसके नीचे ऐसे स्केल्स निकले हुए हैं, और इसका मुंह ना ऐसे जैसे कि वो जगह जहां पर आग लगाई जाती है, आपके घर पर आपने देखा होगा कहीं एक ऐसी जगह होती है ईंटे से घेर दिया जाता है, ब्रिक से घेर दिया जाता है, और उसी में आग लगाते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है ना कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो अपने मुंह से आग उगल सकते हैं, तो इसका मुंह बिल्कुल फायर प्लेस की तरह था, और इसके नाक एकदम चिमनी की तरह था, भाई नाक में से धुआं निकलता रहता था चिमनी की तरह। और कैसा था ये ड्रैगन? और सचमुच डैगर्स ऑन हिज टोस, और इस ड्रैगन के जो पंजे थे वो इतने नुकीले थे जैसे कि डैगर्स, डैगर्स मतलब शार्प नाइफ, जैसे कि एक बहुत ही नुकीली सी चाकू। ठीक है, तो इस ड्रैगन के बारे में समझ में आ गया, इसका नाम कस्टर्ड है, इसके शार्प बिग टीथ है, बड़े बड़े और नुकीले दांत हैं, स्पाइक्स लगी है इसके बॉडी पर, इसके बॉडी के नीचे स्केल्स लगे हैं, और क्या है, और क्या बताया है, इसका जो मुंह है वो फायर प्लेस यानी आग की तरह है, और इसका नोज चिमनी का काम करता है। मुंह आपको पता है ना, ड्रैगन्स आग फेंकते हैं, जुरैसिक पार्क मूवी देखो उसमें पता चल जाएगा। तो आई थिंक ये वाला पैरा भी समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं,
बेलिंडा वॉज एज ब्रेव, अब इनकी क्वालिटीज बताया है, इनकी इनर क्वालिटीज बताया है, ठीक है। देखो हमने अभी कस्टर्ड ड्रैगन के बारे में पढ़ा कि ड्रैगन कैसा था दिखने में, अब बेलिंडा के बारे में बताते हैं। बेलिंडा वॉज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ बियर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ बियर, इसको हम कहते हैं बैरल। तो भाई बेलिंडा इतनी ताकतवर, इतनी साहसी थी जैसे कि भालुओं का समूह। देखो आप इनको कितना ताकतवर दिखाया गया है। एंड इंक एंड ब्लिंक, और जो चूहे और बिल्ली थे, ब्लिंक चूहा, इंक बिल्ली, ये ना इतने बहादुर थे कि ये शेर को भी भगा देते थे, चेस डाउन द स्टेयर्स। अगर उनके घर में शेर भी आ जाए ना, तो ये चूहे बिल्ली इतने बहादुर थे कि शेर को भगा देते थे। ऐसा भी हो सकता है क्या? देखो कैसा कैसे होता है, इस कहानी में बड़ी ट्विस्ट है ना। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, और ये जो इनका पीला कलर का कुत्ता था, अगर उसको गुस्सा आ जाता था तो वो टाइगर से भी ज्यादा गुस्सैल हो जाता था और खतरनाक हो जाता था गुस्से में, अगर उसको गुस्सा आ गया तो। और बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन वो जो ड्रैगन था बेचारा, वो हमेशा कहता रहता था मुझे एक सुरक्षित अच्छे से पिंजरे में डाल दो, मुझे ये कुत्ते बिल्ली चूहे बेलिंडा बहुत परेशान करती है, मुझे एक अच्छे पिंजरे में डालो, हमेशा चिल्लाता रहता था। तो इस पैराग्राफ में हमने सीखा बेलिंडा इतनी बहादुर थी जैसे कि बियर्स का ग्रुप यानी भालुओं का समूह, इंक और ब्लिंक इतने बहादुर थे कि वो लायंस को भी भगा देते थे, चेस डाउन कर देते थे, और मस्टर्ड यानी इनका कुत्ता इतना ब्रेव, इतना बहादुर था जैसे कि जो टाइगर होता है जब वो गुस्से में आ जाता है तो किसी को नहीं देखता, बिल्कुल ऐसा इनका कुत्ता था। अगर एक बार इसको गुस्सा आ गया तो आ गया, ठीक है, फिर राउडी राठौर बनके सबकी ऐसी तैसी कर देता था। आइए, तो बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा डरपोक था वो ड्रैगन जो हमेशा चिल्लाता रहता था कि बेलिंडा मुझे एक अच्छे से केज में डाल दो, मुझे ये लोग बहुत परेशान करते हैं। अब आगे देखते हैं इस कहानी में और क्या होता है, बहुत मजेदार कहानी है, बस पढ़ते जाइए मेरे साथ। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। जो बेलिंडा थी ना वो भी कम नहीं थी, बेचारे ड्रैगन को वो टिकल करती थी, टिकल यानी टीस करना, परेशान करना, किसी को चिढ़ाना। वैसे तो टिकल मतलब होता है गुदगुदी करना, लेकिन यहां पर है किसी को परेशान करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई इंसान किसी को गुदगुदी तो कर नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। अब तुम क्या ड्रैगन को गुदगुदी करने जाओगे क्या? उसको उठा के पलटो उसके बॉडी में, ओ गुदगुदी हो रही कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिखा है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। जो बेलिंडा थी ना वो उस ड्रैगन को हमेशा चिढ़ाती रहती थी और बहुत ही क्रूएल चिढ़ाती थी। अनमर्सीफुली मतलब चिढ़ाते टाइम ना वो बिल्कुल दया नहीं करती थी, एकदम कुछ नहीं देखती थी, और ड्रैगन को बहुत गंदा टीज करती थी, ठीक है, कह के लेना जिसको कहते हैं। अच्छा, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसाइवल। जो कुत्ते बिल्ली और चूहे, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, वो इस ड्रैगन को परसाइवल कह के पुकारते थे। क्यों? क्योंकि परसाइवल एक योद्धा था, एक नाइट था ये परसाइवल, 12th सेंचुरी की बात है ये। परसाइवल नाम का एक योद्धा था, लोग उसको बहुत बहादुर समझते थे, लेकिन वो जैसे ही लड़ने जाता है तो वो अपना मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड इसको इतना कमजोर और इतना ज्यादा आप ऐसे कहो डरपोक समझते थे कि उसका नाम ही रख दिया कि भाई ये जो ड्रैगन है ये तो परसाइवल है ना। आगे, दे ऑल सैट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और ये लोग मजाक कहां उड़ाते थे, वही जो लाल कलर की इनके पास गाड़ी थी, ठीक है, लिटिल रेड वैगन, इसी में बेलिंडा, इनका जो डॉग है, इनकी जो चूहिया है, इनकी जो बिल्ली है, ये चारों बैठ के इस बेचारे ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है। एंड द रियली ट्रूअली कोवर्डली ड्रैगन, और ये ड्रैगन भी यहीं बेचारा बैठा रहता था, सुनता रहता था, क्या करे, अब अकेले है, चार के चारों लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से बेलिंडा, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड मजाक उड़ाते थे ड्रैगन का, कहाँ पर बैठकर, छोटे से अपनी लाल कलर की गाड़ी में बैठकर, और बेचारा ड्रैगन अभी भी सबकी नजर में डरपोक ही है। लेकिन यहां से कहानी बदलती है, देखो होता क्या है, लिखा है कि बेलिंडा गिगल्ड, बेलिंडा इतना जोर से हंसती है जैसे कि पूरा घर वो हिला डालती है, ऐसा लगता है कि भाई पूरे घर में उसकी आवाज गूंज रही है, इको कर रही है। बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड मतलब लॉफिंग हार्टली, बहुत तेज से हंसना, लॉफिंग
ठीक है, गीगल मतलब बहुत तेज से हंसना। तो बेलिंडा इतना तेज से हंसती थी कि पूरे घर को हिला डालती थी, पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगती थी। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग ऑफ अ माउस, साथ में चूहा भी इनके हंसता था। अब जो चूहा हंसता है तो चूहे के हंसने की आवाज है विक विक, तो वो भी बेचारा विक विक करके हंसता था बेलिंडा के साथ। और इंक और मस्टर्ड, वो ना इस ड्रैगन का बार बार उससे उम्र पूछते थे, एज पूछते थे। जब भी ये ड्रैगन कहता था कि मुझे नाइस सेफ केज दे दो, ये लोग कहते थे अपनी एज तो बता पहले, फिर लेना नाइस सेफ केज, सुरक्षित एक पिजड़ा, है ना। तो इस पूरी चार लाइन में क्या बताया कि बेलिंडा इतनी जोर से हंसती थी कि पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगती थी। इसके साथ साथ ये जो चूहा था ब्लिंक, वो भी विक विक आवाज है, ये विक याद रखना, दिस इज अ साउंड, विक विक आवाज करके ये चूहा भी क्या करता था, हंसता था, जो कि चूहों के हंसने की आवाज होती है विक। और इंक और मस्टर्ड बार बार इस ड्रैगन से इसका एज पूछते थे कि भाई बता दो कितनी उम्र का हो गया है तू, है ना। जब भी ये कस्टर्ड बेचारा रोता था कि मुझे एक सुरक्षित पिंजरे में डाल दो, मुझे एक नाइस सेफ केज में डाल दो, तो ये इंक और मस्टर्ड बोलते थे पहले एज तो बताओ, पहले उम्र तो बताओ। इस तरीके से ये लोग चिढ़ाते थे, उस बेचारे पर हंसते थे। लेकिन ये बेचारा नहीं है, ये बेचारा तो हीरो है। अब देखो कैसे आगे चलते हैं। लिखा है कि सडनली अचानक कुछ होता है और यहां से कहानी में आता है ट्विस्ट। सडनली सडनली दे हर्ड अ नैस्टी साउंड। भाई ये लोग बातें कर रहे थे, उस छोटी सी गाड़ी में बैठकर ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे, तभी एक बहुत ही नैस्टी यानी डर्टी, लाउड एंड डर्टी साउंड। डर्टी मतलब, अरे वो वाली डर्टी नहीं, बहुत गंदी वाली डर्टी, मतलब बहुत फटी हुई आवाज से आती, जैसे लगता है कोई किसी चीज में कोलाइड कर गया, ऐसे धम्म से लड़ गया हो, ठीक है। तो एक बहुत ही गंदी सी आवाज इन्हें सुनाई देती है। मस्टर्ड जो इनका कुत्ता होता है, ये आवाज सुनते ही ग्रॉलिंग करने लगता है, गुर्राने लगता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और ये चारों पांचों लोग पीछे देखते, क्या हुआ क्या हुआ। म्याउच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा। ये लोग जैसे ही अगल बगल देखते हैं, देखते क्या है ये लोग, ये देखो, जैसे ही ये बिल्ली इंक उस चीज को देखती है, वो म्याउच म्याउच करने लगती है। जैसे ही बेलिंडा उस चीज को देखती है, ओ अपना मुंह खोल के शॉक हो जाती है, ये क्या है। और क्यों, क्योंकि वहां पर इनके घर में एक लुटेरा आ गया था, एक पायरेट आ गया था, जो कि इनके विंडोज से ऊपर चढ़ रहा था, इनके घर में आने की कोशिश कर रहा था। इस चार लाइन में क्या है कि भाई ये लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, इनकी जिंदगी बहुत बिंदास चल रही थी, तभी इनके घर में अचानक एक बहुत ही लाउड और एक बहुत ही इरिटेबल सी आवाज सुनाई देती है। ये लोग अगल बगल देखते हैं, क्या है क्या है। इनका कुत्ता ग्रॉल करने लगता है, गुर्राने लगता है, और ये लोग चारों तरफ देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई। जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें क्या दिखाई देता है, एक पायरट, एक समुद्री लुटेरा, जो कि इनके घर में चढ़ रहा है, इनके विंडो से ऊपर चढ़ रहा है ये। और जैसे ही इसको देखते हैं तो जो बिल्ली रहती है वो म्याउच म्याउच करके आवाज निकालने लगती है, और बेलिंडा भी डर जाती है, ओह करके आवाज निकालने लगती है। अच्छा अब देखो क्या होता है, अब आता है हमारा भाई हीरो बन के। देखो लिखा है कि ये हमारा जो लुटेरा था पायरेट, उसका अपीयरेंस दिया गया है कि पायरेट कैसा दिख रहा था, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। पूरा सुनील शेट्टी बन के आया था, पिस्टल इन इस लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इस राइट हैंड। जो ये लुटेरा था, इसके दोनों हाथ में पिस्टल थी, एंड ही हेल्ड इन इस टीथ अ कटलेस ब्राइट। और केवल दोनों हाथों में बंदूक नहीं थी, उसने अपने दांत में भी ना एक कटलेस ब्राइट, कटलेस ब्राइट का मतलब स्मॉल स्वॉर्ड कह लो आप इसको, एक छोटा सा तलवार अपने मुंह में दबा रखा था, ऐसे पूरा एकदम सिस्टम से आया था, भाई यार लूट ले जाएंगे घर को, है ना। तो इस पायरेट के बारे में बताया जा रहा है, ये जो पायरेट है ये दोनों हाथ में पिस्टल लेकर आया था, मुंह में इसने एक छोटा सा तलवार भरा हुआ था, ठीक है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, इस पायरेट की जो दाढ़ी थी मेरी तरह बिल्कुल काली थी। वन लेग वॉज वुड, और इसका एक पैर लकड़ी का था। मतलब यहां दिखाया गया है कि भाई ये जो पायरेट है ये भले ही लंगड़ा है, लेकिन सब लोग उससे डर गए। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, पायरेट
पायरेट को देखकर, उस लुटेरे को देखकर, दोनों हाथ में पिस्टल, बगल में मुंह में चाकू लिया हुआ था, और वो ऐसा दिख रहा था, देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो लुटेरा है ये कुछ ना कुछ हमें बुरा करने आ रहा है, हमारे साथ नुकसान करने आ रहा है, इसलिए सब लोग चिल्लाने लगते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन इसी डर के बीच आता है अपना हीरो। देखो क्या हुआ बेलिंडा के साथ, क्या हुआ, जो कि इतनी बहादुर थी जैसे कि भालुओं का समूह। देखो क्या हुआ बेलिंडा के साथ, बेलिंडा पैड, पूरा चेहरा उसका पीला पड़ गया, एकदम डर से कांपने लगी बेलिंडा, एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, चिल्लाने लगी मदद करो हमारी, मदद करो हमारी। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, जो इनका कुत्ता था मस्टर्ड वो भी भाग खड़ा हुआ, फ्लेड भाग गया एक डरावनी सी येल्प, यानी चिल्लाते हुए ये हेल्प हेल्प की आवाज निकालते हुए इनका कुत्ता भी भाग खड़ा हुआ, जिसके बारे में बताया गया कि वो इतना ताकतवर है कि अगर गुस्से में आ जाए तो जैसे टाइगर, ये देखो जैसे ही पायरेट को देखा, लुटेरे को देखा, सबसे पहले चिल्लाते हुए वही भागा। ठीक है, अच्छा, इंक जो उनकी बिल्ली थी ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो ना कुछ सामान रखा था घर के, उसके नीचे जाके छुप गई। जैसे तो उसका पहले से ही प्लान था, लुटेरा आया नहीं, मैं यहां से भागी नहीं। ठीक है, इंक और ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा सा चूहा था वो भी अपने बिल में जाके घुस जाता है। तो ये चूहे और बिल्ली के बारे में बताया गया था कि ये लोग इतने बहादुर हैं कि दे चेज डाउन द लॉयंस, ये शेरों को भगा देते हैं, ऐसे भगाएंगे शेरों को। इंक जो इनकी बिल्ली थी जाके घुस गई हाउस होल्ड, यानी किसी घर के सामान के नीचे जाके छुप गई, भैया हमको मत मारो, हमको छोड़ दो। ठीक है, जो इनकी चूहिया थी ब्लिंक, वो भी अपने माउस होल, यानी जो उसने अपना जहां पर भी रहती होगी, जहां पर भी होल बनाया होगा, उसमें जाके घुस गई वो। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और वहां पर हीरो बन के कौन आता है, अपना कस्टर्ड द ड्रैगन। होता क्या है, ये जो ड्रैगन है ये एकदम, मान लो यहां पर खड़ा है बेचारा वो लुटेरा, और ड्रैगन यहां पर है एकदम उड़ते हुए, ये देखो जर्म्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, उड़ते हुए, और जैसे इंजन आवाज करती है ना, जैसे उड़ता है तो एकदम उड़ते हुए इंजन की आवाज आती है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये ड्रैगन भी जब उड़ के इस पायरेट की तरफ जंप करता है तो बहुत भारी, जैसे इंजन चल रहा है ऐसी आवाज आती है। Clashed his tail like irons in a dungeon. उसने अपने पूंछ को, जैसे ही वो कूदा इसकी तरफ ना, कूद कर उसने अपनी पूंछ को ग्राउंड पर ऐसे पटका जैसे कि डंजन, डंजन यानी जैसे अगर दो लोहे को तुम एक दूसरे से टकराओ तो कैसी आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है ना, दो तलवार एक दूसरे में लड़ते हैं तो कैसी आवाज आती है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे लग रहा है कि तलवार आपस में लड़ रहे हैं। ये जो ड्रैगन था, इसने पायरेट को देखा तो क्या किया, जंप्ड, कूदा पायरेट की तरफ, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, ऐसे फर्राटे हुए जैसे कि एक इंजन हो, वो जब कूद रहा था तो बहुत भारी आवाज आती है, उसके बाद ये अपने पूंछ को जमीन पर ऐसे पटकता है जैसे लोहे से लोहा टकराता है, ऐसी आवाज आ रही थी। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, कैसी साउंड आ रही थी, इट्स अ साउंड, जब दो लोहा एक दूसरे में टकराता है तो क्लैटर एंड क्लैंक की आवाज आती है, और कैसी आवाज आती है, एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, जैंगलिंग मतलब जैसे छन 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 बेल बजता है ना, तो बेसिकली बताया ये गया है, देखो ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि भाई सब तो भाग खड़े हुए, लेकिन जो ड्रैगन था वो कूदता है लुटेरे की तरफ, जैसे कि इंजन चालू होती है तो आवाज आती है फड़फड़ फड़फड़ की, ऐसे ही आवाज करते हुए वो इस लुटेरे की तरफ कूदता है, जब कूदता है तो ये अपनी पूंछ को जमीन पे तेज से पटकता है जैसे कि दो लोहे आपस में टकरा रहे हो, क्लैटर एंड क्लैंक और जैंगलिंग स्क्वर्म की आवाज आती है। अब आवाज करने के बाद ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, आपने रॉबिन बर्ड को देखा है, ये पक्षी ना कितना भी आसमान में ऊपर उठती रहे, उड़ती रहे, वो नीचे कितना भी छोटा कीड़ा रहे उसको आती है, अपने चोच में भरती है, लेके चली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही ये ड्रैगन उस लुटेरे की तरफ ऐसे कूदा जैसे रॉबिन पक्षी अपने इंसेक्ट की तरफ कूदती है, अपने शिकार की तरफ कूदती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सब तो कहने के लिए बहादुर थे, अपना कस्टर्ड द ड्रैगन ये असली में बहादुर था, जब इसने पिस्टल देखा, चाकू देखा,
तो सब भाग खड़े हुए, कौन आया? ड्रैगन आया। अब चलते हैं, पोयम हमारे आखिरी स्टेज पर ही है ज्यादातर। द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडास ड्रैगन एंड गल्ब्ड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। द पायरेट गैब्ड, पायरेट ने जैसे ही देखा बेलिंडा के इस ड्रैगन को, भाई साहब देखता रह गया, उसका मुंह ऐसे खुला, शॉक में आ गया कि इतना भयानक ड्रैगन। अब इसके बाद डर को भगाने के लिए उसने क्या किया, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग। ग्रॉग मतलब हाँ दारू, देसी वाली नहीं होती है ग्रॉग, कोई ब्रांडी दारू होती है, नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है, आप इसको समझ लेना। इट्स अ अल्कोहलिक ड्रिंक, ग्रॉग इज अ अल्कोहलिक ड्रिंक, राइट। तो एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन क्या होता है? ये एक सिल्वर कंटेनर होता है, सिल्वर कंटेनर जिसमें दारू को भरा जाता है। तो भाई जब इस पायरेट ने देखा कि बेलिंडा का ड्रैगन इतना खतरनाक है, तो अपने डर को भगाने के लिए उसने क्या किया, अपने पॉकेट के बगल में एक छोटा सा दारू का डिब्बा रखा था, सिल्वर का कंटेनर रखा था, उसमें से कुछ दारू निकालकर गल्प कर लिया, यानी निगल लिया। फिर क्या हुआ, ही फायर टू बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। अब पीने के बाद वो दो गोलियां चलाता है और दोनों गोलियां नहीं लगती हैं ड्रैगन को। अब क्यों नहीं लगती है, क्योंकि पी के बैठा है, कहां मारेगा, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो दो गोलियां चलाई उसने, एक भी गोली उस ड्रैगन को नहीं लगा, लेकिन ये जो ड्रैगन था उसके बाद तो उसको छोड़ता नहीं है, ये ड्रैगन गॉबल्ड हिम एवरी बिट। ये जो ड्रैगन होता है ना, वो उस पायरेट की तरफ कूदता है, गोली चल गई थी, अब ये ड्रैगन ने सोचा कि अब नहीं मारूंगा तो हमको ही मार देगा ये, तो ये ड्रैगन उस लुटेरे की तरफ कूदता है और उसका एक एक टुकड़ा गल्प कर जाता है, गॉबल्ड कर जाता है, निगल जाता है, ठीक है। तो इतना खतरनाक था ये ड्रैगन। लेकिन अब देखो, जैसे ही ड्रैगन इस पायरेट लुटेरे को खत्म करता है, बेलिंडा आ जाती है, बेलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा आकर ड्रैगन को गले लगा लेती है, मस्टर्ड लिक्ड हिम, इनका कुत्ता इनको चाटने सा लगता है, ऐसे बहुत प्यार करने लगता है कि भाई तूने ही तो आज मुझे बचाया है ना। नो वन माउंड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को दुख नहीं था कि ये जो लुटेरा आया था वो मर गया है, किसी को उसके मौत की दुख नहीं थी, सब लोग उस ड्रैगन को एम्बेरस कर रहे थे, उसको हक कर रहे थे, उसको थैंक यू बोल रहे थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, ग्लिक का मतलब, ग्ली मतलब होता है हैप्पी, खुशी में क्या कर रहे थे, जायरेट एक डांस होता है, इस डांस में क्या करते हैं लोग, किसी के गोल 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 घूमते हैं, ये खुशी मनाने के लिए ये डांस किया जाता है ना, आपने भी देखा होगा। तो जो इंक और ब्लिंक थे वो ड्रैगन को थैंक यू बोलने के लिए उसके चारों तरफ गोल गोल डांस करके उसको थैंक यू बोल रहे थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों तरफ वो लोग जायरेट कर रहे थे जिस ड्रैगन ने लुटेरे को मार भगाया था, अभी अभी उनके सर से एक बहुत बड़ा खतरे को हटाया था, ठीक है। आइए पढ़ते हैं कुछ आखिरी लाइन इस पोयम की, लिखा है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। कहा गया है कि लेकिन जैसे ही ये लोग तारीफ कर देते हैं ड्रैगन की, तो इन्हें याद आता है, अरे हम तो इसको चिढ़ाया करते थे, तो इनका कुत्ता अचानक बोलता है कि भाई देखो, अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता, फ्लस्टर्ड ना हुआ होता, अगर मैं सिचुएशन को देख के कंफ्यूज ना हुआ होता, मुझे समझ ही नहीं आया कौन आया क्या करना है, अगर मैं रहता ना तो मैं तुमसे दो गुना बहादुर रहता, ठीक है। तुमने तो बहुत देर लगा दी मारने में उस पायरेट को, मैं रहता तो मैं तो चीर फाड़ डालता तुरंत उसको। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब चूहे बिल्ली कहां पीछे रहने वाले थे, इनको भी अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करना था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई तुम तो दो बार ही, हम तीन, तुमसे तीन गुना बहादुर होते अगर हमें समझ में आया होता क्या करना है। तुम तो शुक्र मनाओ कि हम वहां ग्राउंड में थे नहीं, नहीं तो तुम सबसे तीन गुना तेजी से हम उस पायरेट को खत्म कर देते, उस लुटेरे को खत्म कर देते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। अब ड्रैगन समझ गया है कि मूर्खों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, है ना, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कौन ताकतवर है, इसलिए ये बेचारा चुपचाप मान जाता है कि हाँ भैया तुम ही लोग ताकतवर हो, हम बहुत गरीब बहुत ही कमजोर आदमी है, हमको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे क्या होता है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने उसी छोटे से सफेद कलर के घर में रहती है।
अपने एक काली कलर की बिल्ली, एक ग्रे कलर का माउस, एक येलो कलर का डॉग, एक छोटी सी गाड़ी और एक पेट ड्रैगन के साथ बेलिंडा अभी भी उसी घर में रहती है। बेलिंडा अभी भी उतनी बहादुर है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। इंक और ब्लिंक अभी भी इतने बहादुर हैं कि वो शेरों को मार के भगा सकते हैं। मस्टर्ड यानी उनका कुत्ता भी उतना ही बहादुर है जैसे कि अगर वो गुस्से में आ गया तो वो एक चीता यानी टाइगर से भी ज्यादा बहादुर है। बट कस्टर्ड अभी भी बेचारा एक अच्छे सुरक्षित केज की डिमांड करता रहता है बेलिंडा से कि बेलिंडा मुझे प्लीज एक अच्छे सेफ केज में डाल दो ना, मुझे ये इंक ब्लिंक और मस्टर्ड बहुत परेशान करते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द कस्टर्ड ड्रैगन। कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसी लगी ये ड्रैगन की हीरोइक हिस्ट्री, प्लीज कमेंट बिलो, अपना फीडबैक जरूर डालिए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। सो दिस इज योर प्रेम भैया, मिलते हैं एक और धमाकेदार सी वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का, बाय बाय, लव यू ऑल।